हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल इमोट्स एकेडमी में। तो दोनों दोस्तों, आज FRO का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम की आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और एग्ज़ाम की आंसर की आप लोगों ने संभवतः या देख ली होगी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं पहले से। और यदि आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा या टाइटल देखा होगा, कौन कौन से क्वेश्चन गलत आए थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पर गलत आए थे और 5 क्वेश्चनों पे यहाँ पर बोनस आपको मिल सकता है। तो बता रहा हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया है रचना, किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदी के द्वारा की गई थी। तो संध्या करनंदी के द्वारा जो ग्रंथ रचित किया गया था उसका नाम था रामपाल चरित। लेकिन यहाँ पर रामचरित इसका आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस पर एक बोनस मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन ये गलत है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 28, गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो गोंडो फडनीज यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जो ये होता है ये हिंदी में गोंडो फरनीज, ठीक है, गोंडो फरनीज होता है, और इंग्लिश में होता है गोंडो PHERNES। तो ये इस तरीके से होता है, लेकिन आयोग ने PHED R की जगह पे यहाँ पर D दे रखा है, तो जो बिल्कुल गलत है। तो इस पे भी आपको एक बोनस मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 36, दो क्वेश्चन ये बोनस वाले आपके लिए होंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन सा वो क्वेश्चन था। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो एक इसमें है अनुच्छेद 326 और एक है 325, दोनों अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो इसके दो आंसर यहाँ पर हैं, इस पर भी सबको बोनस मिलने की संभावनाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है। तो 24.4% क्षेत्रफल 2017 के अनुसार वनों के अंतर्गत आता है, हालांकि यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी यहां पर बोनस मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 55। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर दिया है, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं है, यानी कि SC की संख्या नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पर एक भी SC जाति नहीं है। तो इसका आंसर दो यहाँ पर है, तो इस पर भी सबको बोनस मिल सकता है। आगे हम बात करें, हाँ, तो आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको बोनस मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफर्म बोनस इन पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक। आपने आंसर की नहीं देखी तो आंसर की जल्दी देख लें। बाय बाय।